रीना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बंद गोभी की सब्जी कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आज आपको बताई है कि बंद गोभी की सब्जी कैसे बनाएं। तो हम आपको बताएंगे कि टेस्टी और डिलीशियस सब्जी कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे तरीके से बंद गोभी की सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनेगी। मैं आज आपको बताऊंगी एक सीक्रेट और बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप झटपट और बहुत ही जल्दी से बंद गोभी की सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको बताते हैं बंद गोभी कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है बंद गोभी, मैंने उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और मैंने यहाँ पे ले लिया है अदरक। मैंने जिसे कद्दूकस कर लिया था उसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको कद्दूकस कर लिया था। मैंने यहाँ पे कुछ लहसुन लिए थे उनको भी कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे एक मीडियम साइज टमाटर, एक मीडियम साइज प्याज जिसे मैंने काट लिया है और दो हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया है। और मैंने यहाँ पे ले लिया है धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये है गरम मसाला और ये मेरा है सब्जी मसाला। अगर हम जो सब्जी बनाते हैं उसमें हम गरम और सब्जी मसाला दोनों ऐड करते हैं तो उससे जो हमारी सब्जी का टेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन जाता है। मैंने यहाँ पे गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच ऑयल। हम डाल देंगे इसमें लहसुन, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना अदरक। मैंने आपको बताया था हमने अदरक और लहसुन को कद्दूकस कर लिया था। हम ऐड कर देंगे इसमें प्याज और हरी मिर्च, मैंने इसमें प्याज हरी मिर्च ऐड कर दिए। मिक्स कर लेंगे हम प्याज को, भूनेंगे हम इसे प्याज को, जब तक भूनेंगे जब तक हमारी प्याज में हल्का गोल्डन कलर नहीं आ जाता। मैंने अभी जो टमाटर लिया था उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। हम डाल देंगे उसमें धनिया पाउडर, हमने इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। अब डालेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया हमने इसमें और डाल दिया है गरम मसाला, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया था यहाँ पे और डाल दिया स्वाद अनुसार। हम सब चीजें उसको मिक्स कर लिया, हम डाल देंगे उसमें टमाटर। हम सब्जी को 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे। हाँ, और हम साथ ही साथ में अपनी फ्लेम को लो मीडियम लो पे रखेंगे, साथ में हम बीच बीच में सब्जी को चेक भी करते आएंगे कि हमारी जो सब्जी है वो चिपक ना जाए और चलाते जाएंगे। अब हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं, हम डाल देंगे इसमें बंद गोभी। हमने इसमें डाल दिया पत्ता गोभी और सब चीजों को मिक्स कर लेंगे हम। हमने सब चीजों को मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे जिससे हमारी सब्जी अच्छी तरीके से पक जाए। अब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। हमारी बंद गोभी की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आज आपको बताई है कि बंद गोभी की सब्जी कैसे बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।